ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है फोल्डर। फोल्डर के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं फोल्डर बनाना, फोल्डर खोलना, फोल्डर का नाम बदलना और फोल्डर में फाइल सेव करना। फोल्डर के अंतर्गत सबसे पहले हम सीखने वाले हैं फोल्डर बनाना, पर उसके पहले आपको बता दें फोल्डर क्या है। नोटपैड के अंतर्गत हमने सीखा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे फाइल के रूप में सेव करते हैं। फाइल्स के अंतर्गत दरअसल आपके कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं हैं वो संग्रहित होती हैं। ऐसी हजारों फाइल्स आपके कंप्यूटर में हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपने काम की अपनी पर्सनल फाइल्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है। उसको आसान बनाने के लिए हम उसे फोल्डर्स में, अलग अलग फोल्डर्स में सेव कर सकते हैं। फोल्डर दरअसल एक बैग की तरह होता है जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल फाइल्स सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पे आपकी सारी फाइल्स मिल जाएं और उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। आइए अब सीखते हैं फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप के किसी भी खाली एरिया पर राइट क्लिक करें। एक पॉपअप मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक न्यू ऑप्शन आपके लिए है, जिसमें सबसे ऊपर फोल्डर का ऑप्शन दिया है और फोल्डर का की जो इमेज होती है वो आप देख सकते हैं पीले रंग की। इस पर जाकर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर फोल्डर आ गया और वही इमेज आपको यहाँ पर दिख पा रही है। अब नीचे जो पट्टी दी है इस पर आप फोल्डर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दें। मान लीजिए हमने इस पे नाम दिया है XYZ। और अब आप पॉइंटर को खाली एरिया में रख करके क्लिक कर दें। इसी के साथ आपका फोल्डर तैयार हो गया। ये जो फोल्डर है वो हमने बनाया है डेस्कटॉप पर। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए माय डॉक्यूमेंट में फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसे भी इस प्रोसेस से बना सकते हैं। उसके लिए पॉइंटर को माय डॉक्यूमेंट पर रखें, डबल क्लिक करके उसे खोलें। अब यहाँ पर उसी प्रोसेस को अपनाना है। खाली एरिया में पॉइंटर को रख करके राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू आ गया, न्यू पर जाएं। न्यू पर जैसे ही जाएंगे आपके पास एक और पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। फोल्डर पर जाकर क्लिक करें। ये देखिए फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर को आप जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसे नाम देना चाहते हैं ABC। ABC हमने टाइप कर दिया और पॉइंटर को बाहर रख कर क्लिक करें। ये माय डॉक्यूमेंट्स में आपका एक नया फोल्डर तैयार है। इससे बाहर आ जाएं। और जिस तरह से माय डॉक्यूमेंट्स में हमने फोल्डर बनाया है उसी तरह से आप माय कंप्यूटर्स में भी फोल्डर बना सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखें, माय कंप्यूटर में डायरेक्ट फोल्डर नहीं बनता है। माय कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स होती हैं उसमें जाकर के आप फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर तो हमने बनाना सीख लिया, आइए अब सीखते हैं फोल्डर ओपन करना। इसके लिए पहले तो आप फोल्डर पर जाकर उसको डबल क्लिक कर दीजिए तो फोल्डर खुल जाएगा। दूसरा है फोल्डर पर पॉइंटर रख के उस पर राइट क्लिक कीजिए। आपके सामने ये एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है ओपन। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और ये फोल्डर XYZ जो हमने बनाया था उसकी विंडो यहाँ खुल गई। चूंकि हमने अभी इसमें कोई फाइल्स सेव नहीं की हैं इसलिए ये आपको खाली नज़र आ रहा है। इसे हम बंद कर देते हैं, इससे बाहर आते हैं। और अब हम सीखते हैं फोल्डर का नाम बदलना। हमने इसे नाम दिया था XYZ। अब मान लीजिए आप इसका नाम बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स रखें। उसके लिए फोल्डर पर पॉइंटर रख के राइट क्लिक कीजिए। ये सूची फिर आपके सामने आ गई। इसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे एक ऑप्शन है रीनेम। इस पर जाकर क्लिक कीजिए और अब आप यहाँ पर जो भी दूसरा नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हम इसे नाम देना चाहते हैं माय फाइल। आप माय फाइल टाइप कर दें और इसके बाद बाहर आकर खाली जगह पर क्लिक कर दें। ये आपके फोल्डर का नाम बदल गया। एक बात आपको यहाँ बता दें कि आप फोल्डर का नाम जितनी भी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं।
मान लीजिए हमें लग रहा है कि हम इस फोल्डर के अंदर हमारे लेटर्स की कुछ फाइल्स हैं वो सेव करना चाहते हैं, तो हम इसका नाम बदल करके माय लेटर्स भी कर सकते हैं। तरीका वही है, आप फोल्डर पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पर जाकर के क्लिक कर दीजिए और यहाँ अब हम लिख देते हैं माय लेटर्स। ये हो गया आपके फोल्डर का नाम माय लेटर्स। आइए अब सीखते हैं फोल्डर में फाइल सेव करना। नोटपैड पे फाइल बनाना आपने पहले सीखा हुआ है। मान लीजिए हमने नोटपैड पर कुछ काम किया हुआ है और इसे हम सेव करना चाहते हैं फोल्डर में। उसके लिए फाइल पर जाइए, क्लिक कीजिए और जाइए सेव ऑप्शन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने सेव एज विंडो खुल गई है, जैसा आपने पहले देखा था। हम पहले सीख चुके हैं कि माय डॉक्यूमेंट में किस तरह से हम उस फाइल को सेव करते हैं। अब हम इसे फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि आपने अपना फोल्डर कहाँ पर बनाया था। हमने अपना फोल्डर डेस्कटॉप पर बनाया है, तो आप जाकर के डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने माय डॉक्यूमेंट में बनाया है तो उस पर क्लिक करें, और अगर आपने माय कंप्यूटर में बनाया है तो माय कंप्यूटर पर क्लिक करें और उसे आप ढूंढ सकते हैं। हमारा फोल्डर माय डेस्कटॉप पर है, इसलिए हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और ये देखिए माय लेटर्स नाम से हमारा फोल्डर यहाँ पर है। इसे डबल क्लिक करें, ये आपका फोल्डर खुल गया और इसमें आप अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आप डाल दें। मान लीजिए हमने नाम दिया सुरेश। अब आप सेव पर क्लिक करें और ये जो आपकी फाइल है वो अब आपके फोल्डर में सेव हो गई है। यहाँ से हम बाहर आ जाएं। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि वाकई में हमारी फाइल सेव हुई या नहीं, उसके लिए जिस तरह से आपको फोल्डर ओपन करना बताया था उस तरह से आप जाकर के फोल्डर अपना खोल कर देखें। ये देखिए सुरेश नाम से ये फाइल आपकी इस फोल्डर में आ गई है। अभी हमने सीखा कि किस तरह से फोल्डर बनाकर उसमें फाइल सेव की जाएं। आइए अब सीखते हैं कि सब फोल्डर में फाइल्स किस तरह से सेव की जाएं। उसके लिए पहले हम सीखते हैं सब फोल्डर बनाना। माय लेटर्स का फोल्डर जो हमने बनाया है पहले उस पर जाएं और उसको डबल क्लिक करके खोलें। अब यहाँ पर हम हमारा सब फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो किसी भी खाली जगह पर आपका पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं और फोल्डर पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर एक सब फोल्डर आ गया है, इसको कोई भी नाम दे दें। मान लीजिए हमने इसे नाम दिया महेश। ये हमने हमारे फोल्डर को नाम दे दिया महेश। अब इसे बाहर क्लिक कर दें। अब ये माय लेटर्स फोल्डर के अंदर तैयार हो गया हमारा महेश नाम का सब फोल्डर। अब हम सीखते हैं इसके अंदर फाइल कैसे सेव की जाए, तो पहले इसको मिनिमाइज कर दें। अब जिस भी प्रोग्राम में से आपको फाइल सेव करना है आप उसे ओपन कर लें। हमने यहाँ पर नोटपैड में एक फाइल हमारी जो बनी हुई है उसको हम इस सब फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो हमने नोटपैड ओपन किया। ये हमारी फाइल है जिसको हम हमारे सब फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। इसके लिए आप जैसा आपने फोल्डर में फाइल सेव करना सीखा था उसी तरह से इसको भी आप सेव कर सकते हैं। पहले फाइल पर जाएं, सेव पे क्लिक करें। अब यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं और हमारा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है, तो डेस्कटॉप पर जाकर क्लिक करें। अब ये डेस्कटॉप पर जो चीज़ें आ गई, ये माय लेटर्स हमारा फोल्डर है, इसको आप ओपन करें। ये आपका फोल्डर खुल गया, इसमें ये रहा महेश सब फोल्डर जिसमें कि हम अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं, इसको ओपन करें। अब यहाँ पर हमको अपनी फाइल सेव करना है, तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को नाम दे दें। ये हमने नाम दिया महेश और इसको सेव कर दिया। इस तरह हमने हमारा जो माय लेटर्स फोल्डर था उसके अंदर महेश नाम का एक सब फोल्डर बनाया और उसके अंदर फिर ये महेश नाम की फाइल सेव कर दी। फोल्डर अध्याय के अंतर्गत आज हमने सीखा फोल्डर बनाना, फोल्डर खोलना, फोल्डर का नाम बदलना
और फोल्डर में फाइल सेव करना।